दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, हम सरकारी स्कूल की रिपोर्ट करने आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से बच्चे इस पानी को क्रॉस करेंगे और स्कूल में पढ़ेंगे। आपको अंदर के नज़ारे हम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि ये एक पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है कि बिना अनुमति / आज्ञा के फोटो लेना या वीडियो बनाना सख्त मना है। शायद प्रशासन हमसे कुछ छुपाना चाह रहा है, लेकिन कैमरे के नज़रिए से कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। हम आए थे तो गेट खुला था, अब गेट बंद है। स्कूल की स्थिति दिखाने की मेरी कोशिश है, शायद हो सकता है कि इसके बाद मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट भी की जाए, लेकिन ये एक्चुअल स्थिति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हम ऊपर चढ़ के इस वीडियो को दिखा सकें। अंकल, ये जो छत है, यहाँ जा सकते हैं क्या? हम कैसे जा सकते हैं? गेट खुलेगा क्या? आप लोग 2 मिनट के लिए कोई हमको छत तक पहुँचा सकते हैं? यहाँ से ये सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेव है, यहाँ आप देखें। देखिए, गेट बंद कर दिया था हमको देखते ही। पहले उन भाई साहब ने बोला कि कुत्ता जो है वो किसी भी अननोन आदमी को देखता है तो काटने लग जाता है, और मैं बाहर निकला और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया गया। ये पूरा का पूरा स्कूल जो है वो जलमग्न है। पालम विधानसभा का ये इलाका है। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि स्कूल खुलने बेहद ज़रूरी हैं। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे यहाँ से तैर के जाएंगे या अरविंद केजरीवाल उनके लिए नाव की व्यवस्था करेंगे? 10 हफ्ते 10 दिन वाला विज्ञापन आपने सुना होगा। वो कह रहे थे कि घर में कहीं पानी जमा हो तो उसको बदलें, डेंगू से बचेंगे। लोगों के घरों में सीवर का पानी है, यहाँ बरसात का पानी जमा है, ये एक बीमारी को न्योता नहीं तो और क्या है? और आप इसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कहा गया है कि बिना अनुमति आज्ञा के फोटो या वीडियो बनाना सख्त मना है। अब सवाल ये उठता है कि जब नेता लोगों को अपने अच्छे कार्य दिखाने होते हैं, तब तो वो पूरी मीडिया की टीम, अपनी पूरी सोशल मीडिया की टीम स्कूलों में लेके घूमते हैं कि देखिए हमने विश्व स्तर का स्कूल बना दिया। लेकिन जब उसी मीडिया को आपकी असलियत दिखानी है तो आपके चौकीदार गेट बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि साहेब ने आदेश दिए हैं कि अगर कोई हमारे मुंह पे काला टीका लगाने की कोशिश करे तो आप उनके हाथ रोक देना। मैंने आपको दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसको दिखाने की एक नाकामयाब कोशिश की, क्योंकि मेरे घुसते ही स्कूल बंद कर दिया गया था। छत से आपने विजुअल्स देखे हैं। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ मुझे स्कूल के अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिली, वहाँ पर प्रतिनिधि जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर भी अगर पालम विधानसभा की विधायिका के प्रतिनिधि या विधायिका ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनकी जवाब की प्रतीक्षा करूंगा और चाहूंगा कि वो आएं और मुझे बताएं कि क्यों जल भराव वहाँ पे हुआ। वहाँ पे जब हम गए तो हमारे को टुल्लू पैंप जो पंप हैं वो लगे हुए दिखे। टुल्लू पंप MCD द्वारा लगवाए गए हैं। MCD के निगम पार्षद राजकुमार मेरे साथ हैं। दिल्ली सरकार का स्कूल है, टुल्लू पंप आपने लगवाए हैं, क्या वहाँ पर पूरा माजरा है? स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाएंगे कैसे? ऐसा प्रभात जी, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार जो झूठे और बड़े बड़े जो वादे करने लग रही है, मॉडर्न स्कूल बना देंगे, मॉडर्न स्कूल हमने बना दिया। आज महावीर इंकले वार्ड के अंदर स्कूल की ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे बच्चे तो जा ही नहीं रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो भी ढाई तीन फुट के पानी में से गुजर के जाने लग रहे हैं। हमारे पास वहाँ के प्रिंसिपल का इवनिंग और मॉर्निंग के प्रिंसिपल की कॉल आई कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हो रखा है जी, पानी का कोई रास्ता नहीं है। हम दिल्ली सरकार से गुहार लगा लगा के MLA साहिबा को, दिल्ली सरकार को लगा लगा के हम बड़े परेशान हो चुके हैं। अब राजकुमार जी, आप इसका कोई रास्ता निकालिए। तो हमने कहा जी देखिए, जो हमारे काम है, हालांकि हमारे जुडिशन में नहीं है, हमारे निगम का काम नहीं है, फिर भी आप जो हमें आप आदेश करेंगे हम उसके लिए तत्पर हैं 24 घंटे, क्योंकि जनता ने हमें भी जिता के भेजा हुआ है। तो आपने क्या किया वहाँ? हमने वहाँ पे 2-3 टुल्लू पंप लगा के पानी बाहर निकालने के हम उसमें पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे 2-3 दिन से वहाँ पे टुल्लू पंप रेगुलर चलने लग रहे हैं। अब जी जो ये सीवरेजों की जो लाइन है, अभी आधी से ज़्यादा जनता को पता नहीं है कि ये काम किसका है। ये सीवरेज का जो काम है दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार के जल बोर्ड का सीवरेज का काम दिल्ली सरकार का है। कोई भी 30 फीट से बड़ी कोई भी सड़क है और उसको 60 मीटर की जो भी सड़कें हैं वो सारी की सारी दिल्ली सरकार के हैंडओवर होती है, और मेन रोड जितने भी हैं सारे दिल्ली सरकार के पास हैं। जो भी बड़े नाले हैं
उनको अगर दिल्ली सरकार ने सफाई नहीं कराई है तो गलियों में से पानी कैसे निकल के जाएगा, और जब गलियों में से पानी निकलेगा नहीं तो भैया उसमें से फिर हो कैसे पाएगा। अब हम तो अपनी एमसीडी का प्रयत्न करने लग रहे हैं, एमसीडी की गाड़ियां भी लगाने लग रहे हैं, हालांकि हमारा काम नहीं है फिर भी हम लगे हुए, क्योंकि जनता की एक हमसे एक अपेक्षा है कि भाई हमने आपको भी जिता के बनाया है और उनको भी बनाया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। दिल्ली सरकार तो देखिए इसके अंदर बिल्कुल ही दिल्ली सरकारी जो नाकामियाँ थी बारिश के अंदर बिल्कुल उजग्गर हो गई हैं। PWD के नाले हैं, PWD के नालों की कोई सफाई नहीं है, फ्लड के नाले हैं, फ्लड के नालों की कोई सफाई नहीं है। महावीरिंग के लिए वार्ड के अंदर जो भी सीवरेज वगैरह की लाइन जो डाली गई है, जलबोर्ड या सीवरेज की जो लाइन डाली गई है वो लाइन बिल्कुल डंप है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है। उसके अंदर केजरीवाल सरकार तक जिस दिन इसकी जाँच होगी केजरीवाल सरकार भी उस दिन खून की आंसू रोएगी, आप इसको आने वाले समय में आप देख पाएंगे। और हमने इसके लिए हमने कम से कम 20 बार हमने मेल डाली हुई है दिल्ली सरकार के CM को, विधायिका को, और जो जल बोर्ड के उनके जो अध्यक्ष जो बने घूमते हैं। स्कूल प्रीमाइसिस से आपके पास मेल आया है, किसने मेल किया ये? जरा लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाएं। प्रिंसिपल ने इसका देखिए हमें मेल किया हुआ है कि सर वो दिल्ली सरकार तो सुन नहीं रही है, आप इसको देख के इसका काम कराएं, और अभी मेरे लैपटॉप में देखिए आप वो मेल आया हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पे टुल्लू पंप लगा के हम अपना काम करने लग रहे हैं। तीसरा क्या है कि दिल्ली सरकार इसमें विफल तो हुई है, सीवरेज का काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार ने गाड़ी लगा रखी है जिसमें केजरीवाल हंसते हुए अपनी फ़ोटो खिंचा रखी है, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी है, वो आती है वो उसके शील्ड को निकाल के बाहर छोड़ जाती है, वो कुछ देर बाद आपको पता लगेगा घंटे दो घंटे वो शील्ड भी उसी के अंदर वापस चली जाती है, उससे क्या कि पूरे सीवरेज जाम है। अब जनता को बताना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार काम करेगी, जो MCD का काम है, सफाई का काम है, कूड़े का काम है, आपकी कूड़े की गाड़ियों का काम है, लाइटों का काम है, कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी हो, उसके लिए फॉगिंग वगैरह का काम, ये MCD का काम है, और जो MCD के काम है, MCD के काम के लिए कोई भी किसी टाइम भी एनी टाइम राजकुमार को कॉल करके अपने काम करवा सकता है। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए और आगे महावीरिंग क्लेव का स्कूल भी देखना चाहिए, कितना लोग क्या बच्चे बड़ा नरकीय जीवन जी रहे और क्षेत्र में बड़ा जल भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली सरकार का जो रोड बनाई थी, सड़कें बनाई थी, नाले बनाई थी, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसकी RTI कई लोगों ने लगाई, RWA ने, वो भी हमारे पास आ जाएगी, वो भी आपके सामने उजागर हो जाएगी। कैमरे के पीछे सोनू, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं निशन।